आवारा पशुओं से क्षेत्रीय जनता को निजात मिलने जा रही है। वन पंचायत सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष करण बौरा जौलीग्रांट पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की मदद से स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए पशु बाड़े का निरीक्षण किया, जिसको गंभीरता से देखते हुए स्थानीय नेताओं द्वारा जौलीग्रांट क्षेत्र में वैकल्पिक पशु बाड़े की व्यवस्था की गई। सड़क व खेतों में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर एकत्रित किया जाएगा और वहीं पर उनके चारे की व्यवस्था की जाएगी। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। इससे बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो हमारे गरीब किसानों को हो रहा है, जिनकी फसल इस समय गेहूं मतलब काफ़ी बड़ा हो चुका है, और अगर उसे इस समय अगर जानवर उनको खा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा पनप पाएंगे गेहूं। उससे कृषक को जो है एक तरह से मानसिक हानि भी हो रही है और आर्थिक हानि तो हो ही रही है। एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर तरली जौलीग्रांट में यहाँ पर हमने करने की कोशिश की है। इसमें जो ये व्यवस्था है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशित किया गया है कि ये क्षेत्र के लोग इसमें निकल कर आ गए हैं और जो प्रतिनिधि आ गए हैं उनके लिए, क्योंकि चारे की व्यवस्था भी होनी है और जो उस और व्यवस्था के लिए आदमी भी चाहिए वो भी रखने पड़ेंगे, तो ये सब व्यवस्था क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से की जा रही है ताकि दिक्कत भी ना हो, ऐसा ना हो कि इसमें जानवरों को दिक्कत हो जाए, उनके लिए चारे की व्यवस्था ना हो पाए, तो इस अनियमितता ना बने इसके लिए हमने इसमें एक आदमी भी व्यवस्थित व्यवस्था में रखा जाएगा। ये जो जानवर हैं ये जंगली जानवर नहीं है, ये हमारे जानवर हैं, कृषकों के जानवर हैं, तो इसके लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। मैं बड़े भाई आज करण बोरा जी भी इस समस्या को देखते हुए हमने उन्हें बताया था कि आपकी भी इसमें मदद चाहिएगी, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से और उनकी तरफ से पर्सनली भी जो मदद हो सकेगी वो हमारे लिए करेंगे। समस्या बहुत दिनों से थी और काश्तकारों की समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमारे जो साथी हैं, कर्मठ जो साथी हैं हमारे क्षेत्र के, सब ने ये विचार किया कि भाई इनको इनकी कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए, और इसके चलते हम सब लोगों ने मिलकर इनको एकत्र करना शुरू किया। आज से ही हमने ये काम शुरू किया, हम इनको यहाँ पर एक जगह पे पहले एकत्र करेंगे, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको ये आश्वासन दिया है कि जो उसमें देसी नस्ल जो है, देसी नस्ल के जो पशु हैं उन पशुओं को गेंडी खाता में, वहाँ पर एक आश्रम है वहाँ वो लोग इनका संरक्षण करते हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, ये जागरूकता का विषय है, गाँव में अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो लोगों को जो गाय दुधारू गाय है उसके बाद जब दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, एक ये जागरूकता पैदा करने वाला विषय है। लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत जो हमारे स्थानीय लोगों द्वारा जो की जा रही है, ये पूरा संदेश पूरे क्षेत्र में पूरे समाज में देने का इन्होंने प्रयास किया और व्यवस्थाएँ भी इन्होंने अपनी बनाई है।